बिग बॉस 12 के फिनाले में अब चंद दिन ही बचे हैं और ऐसे में अब सभी कंटेस्टेंट्स घर में रहने के लिए किसी भी तरह के दांव खेलने के लिए तैयार हैं। अगर कहा जाए कि यही वो समय होता है जब कंटेस्टेंट्स का असली रूप निकलकर सामने आता है तो हम गलत नहीं होंगे। बीते एपिसोड्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बिग बॉस ने घर वालों को नॉमिनेशन टास्क यानी बीबी फायर ब्रिगेड दिया है जिसमें 3 राउंड होने थे। इस टास्क में समय समय पर एक हॉर्न बजेगा और हर बार कंटेस्टेंट्स को आपसी सहमति से किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करना था। बता दें कि आज भी ये खेल चालू रहेगा लेकिन बीते एपिसोड में ही कई लोग सारे रिश्ते नाते भुलाकर गेम खेलते हुए नजर आए। फिनाले से चंद दिन पहले ही दीपिका ने मौका पाते ही श्रीशांत को भी घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। वहीं कल के ही एपिसोड में दीपिका और श्रीशांत में चैनल प्रेफरेंस को लेकर लड़ाई भी हुई। ऐसे में साफ है कि अब हर कोई अपने अपने हिसाब से इस खेल में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। खैर, दीपिका ने जिस तरह से श्रीशांत को आखिरी दिनों में धोखा दिया वो फैंस को नागवार गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर सभी फैंस दीपिका के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई भाई बोलकर खंजर मार दिया तो कोई कह रहा है कि अब दीपिका का असली चेहरा सामने आया है। आपको याद होगा कि जब घर से नेहा पेंट से बेघर हुई थी तो उससे पहले बिग बॉस ने सभी घर वालों से पूछा था कि आखिर किसे घर से बेघर होना चाहिए। आपको बता देंगे इस समय नेहा के साथ श्रीशांत और करणवीर वोहरा भी नॉमिनेट किए गए थे। दीपिका ने इस समय भी श्रीशांत का नाम लिया था और इसके बाद श्रीशांत ने घर में खूब हंगामा किया था। दीपिका और श्री एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं और दोनों साथ साथ मिलकर ही गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। खैर, कई बार श्रीशांत ने दीपिका को भी नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन दीपिका ने फिर भी श्रीशांत का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में कई लोगों का मानना था कि वो श्री के नाम पर शो में आगे बढ़ना चाहती हैं। खैर, जिस तरह से दीपिका ने श्रीशांत के साथ आखिरी पड़ाव पर आकर गेम खेला है उसे लेकर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये बिग बॉस का घर है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि दीपिका ने श्रीशांत के साथ सही किया या नहीं, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर अब तक आपने नौ प्रवाह लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेटेस्ट अपडेट के लिए।